नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप प्रेगनेंसी का कैसे पता लगा सकते हैं। अब चाहे वो प्रेगनेंसी सामान्य प्रेगनेंसी हो या असामान्य प्रेगनेंसी हो, जैसे एप्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, या फिर कोई हिडन प्रेगनेंसी हो जो कि आप सामान्य टेस्ट से पता नहीं लगा पा रहे हैं। और सामान्य स्थिति में ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि जो लोग हैं वो प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स के आधार पर प्रेगनेंसी का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स हैं वो पीरियड के आने से पहले के जो साइनो सिम्टम्स होती हैं, जिसे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स या सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ये दोनों साइनो सिम्टम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच खाते हैं। जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, लोअर एब्डोमन पेन, बैक पेन या फिर वाई डिस्चार्ज, और भी काफ़ी सारे जो सिम्टम्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मैच खाते हैं। तो इन आधार पर अगर आप प्रेगनेंसी का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके विपरीत जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड होते हैं वो भी आपको कुछ ऐसे असंतोषजनक रिजल्ट देते हैं जिससे आपको प्रेगनेंसी का अनुमान नहीं लग पाता है, जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। इसके विपरीत बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पर ब्लॉग्स या फिर आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जो कि घर पर पड़ी चीज़ों से आपको प्रेगनेंसी का पता लगाने का दावा करते हैं, जैसे कि नमक से, चीनी से या टूथपेस्ट से, जिनका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि ये आपको सही रिजल्ट देते हैं। और मैंने मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जब लोग इन तरीकों का यूज़ करते हैं तो उन्हें फॉल्स पॉजिटिव या फिर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, और इसके बेसिस पर जब वो आगे कदम उठाते हैं, जैसे कि अनमैरिड कपल्स अगर अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं तो उनको उसमें सफलता नहीं मिलती है और अधिकतर केसेस में तो प्रेगनेंसी होती नहीं है। अब सवाल आता है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप प्रेगनेंसी का अनुमान या फिर प्रेगनेंसी को डायग्नोस करते हो 100%। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अब देखिए, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि जो आप घर पर प्रेगनेंसी की जांच कर रहे हैं वो लेबोरेटरी में की जाने वाली जांच से बिल्कुल अलग है, परंतु देखिए, अगर आपने लेबोरेटरी में जो यूरिन सैंपल दिया है तो लेबोरेटरी में भी यूरिन की जो जांच है प्रेगनेंसी के लिए वो टेस्ट कार्ड से ही होती है, जो कि आप घर पर टेस्ट कार्ड यूज़ करते हो, जैसे कि प्रेगा न्यूज, प्रेगा कैम या आई कैन। ठीक है, लेबोरेटरी में भी ऐसे ही टेस्ट कार्ड का यूज़ होता है जो कि एक प्रेगनेंसी हार्मोन को पता लगाने का काम करते हैं, जो कि होता है बीटा HCG। ठीक है, तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि जो आप घर पर प्रेगनेंसी की जांच कर रहे हो यूरिन से टेस्ट कार्ड के माध्यम से, वो लेबोरेटरी में की जाने वाली जांच से अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि जब आप यूरिन की जांच करेंगे इन टेस्ट कार्ड के माध्यम से तो जो यूरिन है वो मॉर्निंग का फ्रेश यूरिन होना चाहिए, और आपको एक ब्रांडेड टेस्ट कार्ड का यूज़ करना है, जैसे प्रेगा न्यूज, प्रेगा कैम, आई कैन। और जो टेस्ट रिजल्ट है वो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर ही देखना है, 5 मिनट के बाद जो टेस्ट रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला जो टेस्ट है वो तब हम लोग यूज़ करते हैं जब आपको यूरिन टेस्ट कार्ड से असंतोषजनक रिजल्ट मिलता है या फिर डाउटफुल रिजल्ट मिलता है। तो अगला जो टेस्ट है वो हम लोग ब्लड के माध्यम से कराते हैं, जिसे बोला जाता है सीरम बीटा HCG। अब ये जो टेस्ट हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है सीरम बीटा HCG क्वालिटेटिव ब्लड टेस्ट। अब इसमें जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हमने यूज़ किया था वैसा ही टेस्ट कार्ड यूज़ होता है, और आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है, और फिर उस ब्लड सैंपल में से आपके ब्लड का सीरम निकाल दिया जाता है, और ड्रॉपर की हेल्प से सीरम की 3 बूंदें इस टेस्ट कार्ड में डाली जाती हैं, और 5 मिनट के अंदर अंदर जो रिजल्ट हमें मिलता है वो वैलिड रिजल्ट मिलता है, जिससे आपको प्रेगनेंसी का पता लग सकता है। ठीक है, अगला जो तरीका है वो भी सीरम बीटा HCG का ही होता है, लेकिन इसमें हमें बीटा HCG की वैल्यू मिलती है, और इस ब्लड टेस्ट का नाम है सीरम बीटा HCG क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको जो बीटा HCG है उसकी वैल्यू मिल जाती है। अगर आपका सीरम बीटा HCG 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा आता है तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव माना जाता है। अगर 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम आता है तो
तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव होता है। हालांकि ये जो दोनों ब्लड टेस्ट हैं इसके लिए आपको लेबोरेटरी में विजिट करना होता है या फिर आपको जो अपना ब्लड का सैंपल है वो लेबोरेटरी में देना होता है। आजकल जो ऑनलाइन मेथड है इसमें आप अपना ब्लड टेस्ट ऑनलाइन बुक कर सकते हो और जो ब्लड सैंपल है वो आपका घर से ही कलेक्ट हो सकता है। ये जो फैसिलिटी है ये बड़ी सिटी में अवेलेबल रहती है। अब जो लोग ब्लड टेस्ट नहीं करवा सकते हैं वो आगे सोनोग्राफी करवा सकते हैं, इससे भी आपको अपनी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो सकता है। सोनोग्राफी जो आपको करानी है वो है फीटल वेलबींग। आपको किसी भी नियरेस्ट सोनोग्राफी सेंटर में अल्ट्रासाउंड सेंटर में जाकर आपको बताना है कि आपको सोनोग्राफी करानी है, पेल्विक सोनोग्राफी फॉर फीटल वेलबींग। और जो आपके सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर होंगे उनको आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको सोनोग्राफी करानी है फॉर फीटल वेलबींग। और डॉक्टर अपने आप समझ जाएंगे कि आपने यूरिन टेस्ट किया होगा या तो आपको जो टेस्ट रिजल्ट है वो सही नहीं मिल रहा या फिर आप अपनी प्रेगनेंसी का पता लगाना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होगी आपके पेट में देखेंगे कि कोई प्रेगनेंसी की प्रोसेस है अंदर की नहीं है, उसके आधार पर आपको जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है वो दे दी जाती है। अब जो लोग ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो देखिए जो अगला मेथड है, जो तरीका है, वो है अपने नियरेस्ट किसी भी अच्छे डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लेना। आप चाहें तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो क्या करेंगे इस केस में, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, हर बातों को जानेंगे कि प्रीवियसली आपके साथ क्या हुआ है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है, आपने कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ली है जिससे आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा हो, या फिर आपको एक्चुअल में प्रेगनेंसी तो नहीं है, किसी टाइप की हिडन प्रेगनेंसी तो नहीं है या फिर किसी टाइप की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है। बहुत बार ऐसा मेरे साथ होता है कि जो पेशेंट है वो मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं और फिर मुझे पता लगता है कि जो उनको टेस्ट रिजल्ट मिल रहा है वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग हैं अनमैरिड कपल्स वो अधिकतर केसेस में जब ऐसी असंतोषजनक स्थिति होती है तो वो गर्भपात की गोलियाँ खा लेते हैं, और जब ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है तो फिर वो जब कंसल्ट करते हैं तो पता लगता है कि जो उनको टेस्ट रिजल्ट मिल रहा था वो फॉल्स पॉजिटिव था, जिसके बेसिस पर वो जो है गर्भपाती गोलियां खा लेते हैं और फिर ब्लीडिंग तो होती नहीं है, फिर वो ऐसी स्थिति में मुझसे कंसल्ट करते हैं। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन सभी मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते तो किसी भी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद वो आपको इजिली बता देंगे कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।